सो दोस्तों, किसी वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई और जिस वजह से मुझे अपनी क्लास को भी बंद करना पड़ा। बट वो वाली क्लास बंद हो गई, बट हम अपनी इस वाली क्लास में देखते हैं। चलिए चलिए, तो फटाफट से इधर भी जुड़ जाएंगे सब लोग। ठीक है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, जिस वजह से वो क्लास बंद हो गई और होता रहता है वो भी इस टाइम पे। चलिए, मैंने अभी तक जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहाँ तक ये बात कर ली थी कि डीसी जनरेटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर किस तरह से काम करता है, यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि डीसी जनरेटर में दो चुंबक होते थे, दो चुंबकों के बीच में हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और वो चुंबकीय बल रेखाएं जब भी एक कंडक्टर के द्वारा काटी जाएगी तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार उसमें क्या पैदा होगा, उसमें ईएमएफ पैदा होगा। अब ये जो बिजली पैदा हो रही है इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया ईएमएफ। इसे क्या नाम दिया गया, ईएमएफ। और ईएमएफ का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ईएमएफ का पूरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है, बट हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ पैदा होता है, तो डीसी जनरेटर के थ्रू जो ईएमएफ पैदा होता है वो होता है ईएमएफ। डीसी जनरेटर के थ्रू मेरा ईएमएफ पैदा होता है, ये चीज आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लें। ठीक है, और प्लस जो एक्चुअल में पैदा हुआ ना, अभी तक हमारा एसी पैदा हो रहा था, लेकिन इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा, वो कम्यूटेटर करेगा, वो हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से होता है वो, उसके हम कंस्ट्रक्शन वगैरह डायग्राम जब बनाएंगे तब समझ लेंगे कि भाई वो एसी को डीसी में पैदा किस प्रकार कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो नियम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए डीसी जनरेटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो क्या आएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, सिर्फ ये पूछे कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। डीसी जनरेटर में घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, कौन सा हिस्सा होता है, आर्मेचर होता है। परमानेंट मैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं और ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने हैं इसके प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, इसके प्रिंसिपल के थ्रू। और अगर प्रिंसिपल एक सरल भाषा में पूछा जाए तो यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसकी गति से चुंबकीय फ्लक्स कटेगा और चुंबकीय फ्लक्स के कटने से उसमें क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। और ये किसने कहा था, हमारे फेराडे चाचा ने कहा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग यश करण। ठीक है, चलिए, अब प्रिंसिपल हो चुका है, अब आगे की बात करते हैं। चलिए, अब हमारा डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया, अब हमें देखना है इसके जनरेटर के क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर के भाग, सब लोग आ गए क्या वहां से, प्रीवियस क्लास को छोड़ के सब लोग आए या नहीं। मुझे लग रहा है अभी तक काफी ज्यादा बच्चे प्रीवियस क्लास पे अटके हुए, जो जो बच्चा प्रेजेंट है ना एक बार कमेंट करके बता दो, काफी सारे बच्चे अभी वही प्रीवियस क्लास पे अटके हुए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे आगे नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो अब हमारी वो क्लास खत्म हो गई, क्या करें, दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है क्या सबको, ठीक है, लाइट का तो नहीं आ रहा। चलिए, आप डीसी जनरेटर के भाग की अगर हम बात करते तो सबसे पहला इसका हिस्सा था योक। ठीक है, अब देखो मैं बात समझाना चाहूंगा आपको, कुछ इस तरह की आपने कंस्ट्रक्शन देखी होगी। ठीक है, इसके अंदर आर्मेचर होता है, तो ये पूरी मशीन का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर मैं देख लूँ कि है ना, ठीक है, ये मेरी मशीन होती है, तो ये मेरे मशीन का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, ये मेरी मशीन का बाहरी हिस्सा है, तो ये जो ये बाहरी हिस्सा होता है इसे कहा जाता है योक, जो कि पूरी मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरी मोटर की सुरक्षा करता है। बाहरी उस पर कोई चीज गिरे करे या कुछ भी दुर्घटना हो तो उससे बचाव करने के लिए हम लोग इसे लगाते हैं। तो जो ये बॉडी हुई इसे क्या कहेंगे, मैं कहूंगा भाई ये बॉडी है, तो मशीन की बॉडी को योक कहते हैं। ठीक है भाई, मशीन की जो बॉडी है तो उस बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, योक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तंजिल, जतीन, अंकित, करण सिंह आ चुके हैं और काफी सारे बच्चे थे उसके अलावा, वो लोग वहीं पे अटक गए।
तो मशीन की बॉडी को योग कहा जाता है। अब इस योग से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इस योग वाले चैप्टर से, योग वाले टॉपिक से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं देखो, मैं लिखा देता हूं। बड़ी मशीनों में जो आपका होता है योग और छोटी मशीनों में योग, छोटी मशीनों में योग। तो जब हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, तो बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बनाया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में किसका बनाया जाता है? कास्ट स्टील का बनाया जाता है। और छोटी मशीनों में किसका बनाया जाता है? ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि छोटी मशीनों में कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बनाया जाता है। सिर्फ हमें इसके अंदर इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, सिर्फ हमें इसके अंदर इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो बता दो, क्या आपको ये चीज़ योग के अंदर समझ आ चुकी है? योग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या आपको ये चीज़ समझ आ गई है? सर वीडियो क्यों कट गया था? नायडू जी, नेटवर्क इशू हो गया था और मतलब मुझे भी पता नहीं पड़ा, अचानक से वीडियो बंद हो गई। और मैंने उसे रिज्यूम भी हो जाता है, कई बार रिज्यूम हो जाता है, बट रिज्यूम करने की मैंने काफ़ी कोशिश की बट रिज्यूम हो ही नहीं पाया। अब क्या कर सकते हैं, वाईफाई तो है नहीं अपने पास में, ठीक है, डोंगा लगानी है, अपने मोबाइल के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होना, ठीक है, आज पहली बार हुई है, हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए लखन भाई, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है योग। योग के बाद आपका आता है फील्ड पोल। योग के बाद क्या चीज आती है? फील्ड पोल आती है, ठीक है। तो छोटे आकार के पोल, जो छोटे आकार के मशीन होती है जिसे डायनामो कहा जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। कौन से चुंबक होते हैं? परमानेंट चुंबक प्रयोग किए जाते हैं छोटी मशीनों के लिए, परंतु बड़े आकार की मशीनों में क्या करते हैं? फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, पोल्स के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। तो यहां से अगेन एक क्वेश्चन आया, छोटी मशीनों में तो भाई जो छोटी मशीन है तो वहां तो स्थायी चुंबक, लेकिन बड़ी मशीनों में हम क्या कर लेते, क्या लगाते हैं? फील्ड पोल। छोटी मशीनों में तो स्थायी चुंबक और बड़ी मशीनों में हम लोग फील्ड पोल का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में फिट कर लेनी ये चीज़ भी कि फील्ड पोल क्या होते हैं। तो फील्ड पोल अगर आपसे पूछे, बताइए फील्ड पोल कहाँ लगाए जाते हैं, छोटी मशीनों में, बड़ी मशीनों में, दोनों में या कोई नहीं, तो आप क्या टिक करेंगे? भाई फील्ड पोल सिर्फ और सिर्फ बड़ी मशीनों में लगाए जाते हैं। ये ना अभी जो हमने बात की थी, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये होते हैं फील्ड पोल। नॉर्थ और साउथ पोल की जो हमने बात की थी, गुड मॉर्निंग पायल जी, तो नॉर्थ और साउथ पोल की जो मैंने बात की थी उसे क्या कहा जाता है? फील्ड पोल कहा जाता है, ठीक है, फील्ड पोल कहा जाता है। चीज क्लियर है फील्ड पोल के बारे में आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड पोल में भी क्या होता है? ये होते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल और मोल्डेड पोल। तो देखिए शू सहित लेमिनेटेड पोल। अब अगर मान लो बड़ी मशीनों में लगे हुए हैं तो वो किस प्रकार से लगे रहते हैं? तो कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये क्या है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है ना, इस तरीके से लगे रहते हैं। तो ये लेमिनेटेड, ठीक है, मानो कि एक इस तरह की पत्ती है, ये पत्ती है। अब इन ऐसे ही बहुत सारी पत्तियों को लेमिनेटेड करके एक साथ चिपका दिया जाता है और स्क्रू और नट की सहायता से कस दिया जाता है और इस तरह से बनता है हमारा शू सहित लेमिनेटेड पोल। शू सहित लेमिनेटेड पोल इस तरह से बनता है, ठीक है, क्लियर है। ज्यादातर ये बड़ी मशीनों में ही काम में आता है, सीधी सी बात है, ठीक है, ज्यादातर ये बड़ी मशीनों में ही काम में आता है। इतनी सी चीज क्लियर है आप लोगों के? तो बस हमें लेमिनेटेड पोल शू के बारे में ध्यान रखना कि पोल शूज हमेशा बड़ी मशीनों में काम में आते हैं, छोटी मशीनों में काम में नहीं आते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा आर्मेचर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अच्छा अब एक बार मुझे कमेंट करके सब लोग बस ये बता दें कि क्या आप लोगों ने सबने आर्मेचर देखा है या नहीं देखा। ठीक है बता दे बोले भाई किस किसी किसने तो देखा होगा और किसी किसी ने नहीं भी देखा होगा, तो एक बार फटाफट से कमेंट करके ये बता दो किस किसने आर्मेचर देखा है। किस किसने आर्मेचर देखा है? तो देखो ये तो होती है शाफ्ट, ठीक है ये लगा रहता है कम्यूटेटर, ये लगा रहता है कम्यूटेटर। अब यहां से क्या होता है, यहां से ये वाइंडिंग है, ये क्या है वाइंडिंग है। अब इस वाइंडिंग से निकलते हैं दो तार और ये दोनों तार सीधे क्या हुए वाइंडिंग, हर एक तार कहां जाता है कम्यूटेटर पे। तो इस आर्मेचर से तो क्या पैदा होती है एसी, लेकिन इस एसी को फिर कहां दिया जाता है कम्यूटेटर पर, कम्यूटेटर आउटपुट में मुझे क्या देता है डीसी देता है। ठीक है यहां आर्मेचर तक ये एक कम्यूटेटर अलग हिस्सा होता है, आर्मेचर तक तो मुझे क्या मिलता है एसी पैदा होती है, लेकिन आर्मेचर के बाद जो वाइंडिंग के तार सब कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहते हैं और कम्यूटेटर उस एसी को किसमें पैदा कर देता है डीसी में पैदा कर देता है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? मोल्डेड पोल है ना, सब लोगों ने आर्मेचर आई होप देखा ही होगा एक ना एक बार। तो हाँ लैप और वेव वाइंडिंग वो सब आगे बात करेंगे तंजिल, ठीक है लैप और वेव वाइंडिंग आगे आगे बात करेंगे, सबने देखा है बस। तो ये होता है आर्मेचर। तो देखिए जनरेटर का घूमने वाला हिस्सा, ठीक है मोटर या जनरेटर का घूमने वाला हिस्सा क्या होता है आर्मेचर, ये घूमने वाला भाग होता है, ये क्या होता है ये हमारा घूमने वाला भाग होता है सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे। और इसका आकार एक कैसा होता है ड्रम जैसा होता है, इसका आकार एक ड्रम जैसा होता है। अब यहां जो देखिए पत्तियां, अब आर्मेचर कैसे होता है मैं तो बता दूं आपको, देखिए इस आकार की पत्तियां होती है, ठीक है पतली पतली बहुत ही ना बहुत पतली पतली पत्तियां, इन पत्तियों को लेमिनेट किया जाता है, बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठी एक स्टैक बनाई जाती है, जब एक जैसी समान चीजों को एक ऊपर एक रख के कुछ कर बनाया जाए उसे स्टैक कहा जाता है, स्टैक बनाई जाती है ठीक है लेमिनेटेड, और वो ग्लू वगैरह की मदद से जैसे भी वो चिपक जाते हैं आपस में। अब उनके ऊपर ही होते हैं स्लॉट, ये जो कटे रहते हैं ना इन्हें कहा कहा जाता है स्लॉट, और इन स्लॉट के अंदर क्या की जाती है वाइंडिंग की जाती है। तो स्टील की पत्तियां होती हैं और इनको एक साथ रिपीट करके बनाया जाता है आर्मेचर ड्रम में, आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है, ये जो आर्मेचर स्लॉट है इनमें आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो स्लॉटों में की जाती है, तो स्लॉट इस तरह से तीन तरह के स्लॉट है, तो देखेंगे सबसे पहले होते हैं ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट, ठीक है ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट। ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट, चलिए तो ओपन स्लॉट क्या होते हैं, ये हमेशा छिद्र टाइप के होते हैं, ठीक है ये कैसे होते हैं स्लॉट की चौड़ाई सब जगह समान रहती है, ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट सेमी क्लोज स्लॉट, ओपन स्लॉट में क्लोज की मोटाई हर जगह समान रहती है। फिर आता है सेमी क्लोज स्लॉट, तो इसकी चौड़ाई हेड पर तो कम होती है, यानी कि जहां से ये देखिए यहां से तार अंदर डाला जाएगा तो उस जगह की तो कम होगी और अंदर की तरफ इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो जहां से वायर डाला जाता है वहां कम होती है। ठीक है ये स्लॉट में बताऊं आपको किस तरह के होते हैं, ये इस तरह का स्लॉट है। तो अब अपन यहां से जब तार डालेंगे तो उस जगह की तो मोटाई कम होती है और अंदर जाके मोटाई ज्यादा होती है, तो ऐसे स्लॉट अपने पंखे की फैन वाइंडिंग में काफी सारे बच्चों ने देखा होगा, ठीक है फैन वाइंडिंग में काफी सारे बच्चों ने ये चीज नोट की होगी या फिर देखी होगी। फिर क्लोज टाइप आता है, तो क्लोज टाइप में इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं और उसमें सीधी आर्मेचर वाइंडिंग नहीं फंसाई जा सकती बल्कि छेद में से वाइंडिंग करनी पड़ती है, तो गोल गोल छेद होते हैं सीट, ठीक है स्लॉट के अंदर बस गोल गोल छेद बना दिए जाते हैं और उसमें से तार को ऊपर से डाला जाता है नीचे से निकाल के कस दिया जाता है, तब तो वो होते हैं सेमी क्लोज। तो छेद वाले क्लोज
ऊपर से कम चौड़े, ठीक है, ऊपर से चौड़ाई कम जिनकी होती है वो सेमी क्लोज, और ओपन टाइप की चौड़ाई सब जगह समान होती है, ओपन स्लॉट की चौड़ाई सब जगह समान होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओपन स्लॉट की चौड़ाई सब जगह पे समान रखी जाती है। क्लियर है? एमएम में होती है बिल्कुल 0.35 से 0.6 एमएम, बिल्कुल ये चीज ध्यान रखेंगे कि 0.35 से 0.6 एमएम होती है इसकी चौड़ाई। ये जो है ना ये पत्तियां, इसकी मोटाई 0.35 एमएम से 0.6 एमएम होती है। गुड मॉर्निंग अनिल, अनिल आप कल नहीं आए थे, अनिल का कल बहुत वेट किया बट कल अनिल नहीं आए थे। तो आर्मेचर का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा ये चीज नोट कर लेना आप सभी लोग, आप सभी लोग ये चीज नोट कर लेना कि जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं इनकी मोटाई 0.35 से 0.6 एमएम तक होती हैं। फिर मैं कहूंगा कि इन पत्तियों को लेमिनेटेड बनाया जाता है, पत्तियों को लेमिनेटेड बनाया जाता है। अब ये चीज देखो कि पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आएगा, एडी करंट, एडी करंट वे हिस्टेरेसिस लॉसेस से बचने के लिए, एडी करंट वे हिस्टेरेसिस लॉसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों को लेमिनेटेड बनाते हैं। पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉसेस से बचने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। हर एक पत्तियों से लेमिनेटेड करते हैं, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा बताइए एडी करंट से किस प्रकार बचा जा सकता है पत्तियों को लेमिनेटेड करके, या पत्तियों को लेमिनेशन करने से किस प्रकार के लॉसेस से बचत होती है, तो एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉसेस से बचत होती है। ये चीज आप लोग समझ लेंगे, बहुत बड़ी चीज है ये एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा आर्मेचर वाला पॉइंट, ये चीज दोनों लिख लीजिए 0.35 एमएम से 0.6 एमएम, ये आपको नोट करना है। प्लस पत्तियों को लेमिनेटेड बनाया जाता है क्यों, एडी करंट में हिस्टेरेसिस लॉसेस से बचने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? चलिए अब बात करेंगे वाइंडिंग की, थोड़ा सा जब तक मार्कर को पानी पिला लें हम। अर्जेंटली रेलवे एमई टेक्नीशियन हूं तो सिंगल, अच्छा अच्छा अनिल जी आप रेलवे में जॉब करते हो क्या? नायडू जी हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में अभी हम आगे हमारा चैप्टर आएगा उसमें प्रॉपरली बात करेंगे, ठीक है, अभी इसमें नहीं, उससे अपन चैप्टर है बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अनिल जी आप रेलवे में जॉब करते हैं क्या? चलिए ये पोलियो की दवाई किसी और को पीनी है तो बता देना। हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, इन सब के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है, इन डीपली आएगा तो वो हम लोग वहाँ पे जरूर देख लेंगे। अभी हम लोगों को बात करनी है आर्मेचर वाइंडिंग की, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हमें बात करनी है कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों दो तरह की होती है, पहली तो होती है लैप और दूसरी होती है वेव, ठीक है। अब यहां से हमें कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना है, पहली तो होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग का एक और नाम क्या है, इसे लैप वाइंडिंग की एक और खास बात क्या है कि इसके सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। हाँ तो सॉरी, लैप वाइंडिंग को हम लोग पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं और वेव वाइंडिंग को हम लोग
सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। तो अब किसे सीरीज और किसे पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ। लैप वाइंडिंग में कहता है कि इसके जो कॉन्टेक्ट के जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके सिरे, ठीक है, मैं कहूंगा इसकी वाइंडिंग है, अब वाइंडिंग के सिरे होंगे तो वाइंडिंग के तार एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, यानी कि ओवरलैप रहते हैं, इसीलिए मैं इसे क्या कहता हूँ, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग के तार एक दूसरे पर चढ़ रहते हैं इसलिए इसे सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, वाइंडिंग के तार लगातार, ठीक है, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वाइंडिंग के तार लगातार इसमें आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये सीरीज की तरह, ये देखो ये कैसे होता है, सीरीज की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे ऐसे, तो ये इसमें पैरेलल कनेक्शन, इसीलिए लैप वाइंडिंग को तो पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं और इसे सीरीज वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। लैप वाइंडिंग को ये और इसे ये कहा जाता है। ठीक है, यहां से ये हटा देते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लैप वाइंडिंग हाई करंट लेकिन लो वोल्टेज पे काम करती है, लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो ये लो करंट लेकिन हाई वोल्टेज पर बात करती है, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, अगर आपको सीरीज और पैरेलल वाइंडिंग के बारे में कुछ बातें ध्यान है कि देखो पैरेलल वाइंडिंग है, पैरेलल वाइंडिंग में वोल्टेज समान रहता है, ठीक है भाई। देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अगर मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है तो यहाँ भी 220 होगा और यहाँ भी 220 होगा, यानी कि वोल्टेज का मान तो समान रहेगा, लेकिन देखो जो करंट होगी यहाँ पे 10 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर, और इन दोनों की मिलके करंट यहाँ आएगी वो हो जाएगी 20 एम्पियर, यानी कि लैप वाइंडिंग में करंट का मान तो होता है ज्यादा हाई करंट लेकिन वोल्टेज होता है लो। सीरीज की बात करें तो देखिए सीरीज में जो करंट यहाँ है वही करंट मुझे यहाँ मिलेगी, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ मिलेगी, लेकिन इसका वोल्टेज अलग और इसका वोल्टेज अलग, यानी कि तीनों के वोल्टेज जुड़ के कुछ मिलेगा, यानी कि वोल्टेज का मान तो हाई हो गया और करंट का मान लो होता है, क्योंकि सीरीज है, ठीक है, क्योंकि क्या है, सीरीज है। तो हमें ये ध्यान रखनी है, अगर आपको इतना ध्यान है कि भाई लैप वाइंडिंग में पैरेलल वाइंडिंग होती है तो आप ये कह सकते हो कि वोल्टेज लो होगा करंट हाई होगी, और वेव वाइंडिंग अगर सीरीज है तो आप ये कह सकते हो कि लो करंट और हाई वोल्टेज होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, अब आप बताओ कि ये समझ आया कि नहीं आया, बस इतनी सी बात अगर समझ नहीं आई तो। फोको धारा नहीं, भंवर धारा कहते हैं। चलो फटाफट से बताओ ये वाला क्या है, अभी बस लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम कल देखेंगे क्लास में। जल्दी से बस मुझे कमेंट करके आप लोग ये बता दें कि क्या ये टॉपिक आपको सबको क्लियर है क्या, जल्दी से सभी लोगों का कमेंट चाहिए, मुझे एक बंदे का कमेंट नहीं चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि पर्सनली ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कमेंट मेरे पास आना चाहिए सब लोगों का कि यस सर ये टॉपिक हम सबको अच्छे से समझ आ चुका है। लखन पायल नायडू जी तंजिल का कमेंट आ चुका है, बाकी लोग भी कमेंट करें। फोको नामक साइंटिस्ट इसका इन्वेंशन किया था तो उसके नाम से इसे फोको करंट कहा जाता है। नहीं अनिल जी, देखिए अगर फोको नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी तो की होगी, बट उसने इसे अपना नाम नहीं दिया, इसे एडी करंट नाम दिया जाता है। और आपका जो क्वेश्चन है ना, मैंने भी पहली बार सुना है, तो मैं कल आपके बारे में इसको रिसर्च करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज पता पड़ी है, तो कल मैं पता करूंगा और जरूर बताऊंगा आपको। अच्छा क्या बात है अनिल जी, आपकी गवर्नमेंट जॉब है रेलवे में, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और फिर अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं बताएं आप, या बाद में भी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। चलिए सो ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो कि जब आप लैप वाइंडिंग कर रहे हैं और वेव वाइंडिंग कर रहे हैं, अब लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होते हैं, ठीक है। एक नाम आता है, आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, पैरेलल पाथ यानी कि ए, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल पाथ, ये थी पैरेलल वाइंडिंग यानी कि इस तरीके से,
तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे, तो आप बोलोगे भाई क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी है, तो उतनी ही होगी जितनी की पोल हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, हमेशा दो होगी, वेव वाइंडिंग में हमेशा दो होगी और लैप वाइंडिंग में हमेशा पोल की संख्या के बराबर होगी। अब इसे याद कैसे रखें, देखो ये किस में है, लैप वाइंडिंग में, तो ये देखो ए और पी आ रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, ए और पी आ रहे हैं, यानी कि लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी, और बाकी बची हुई में वेव में तो दो आएगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो हाथों हाथ, आपको ये मैंने ट्रिक भी समझा दी है। ठीक है, अपन ने ये हाथों हाथ ट्रिक भी समझ ली, क्लियर है सब लोगों को। प्लस अब लैप वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि वेव वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो ज्यादा होता है। क्यों, देखो ईएमएफ, एक चीज और ध्यान रखना, हमने बात की थी कि ईएमएफ पैदा हुआ तो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वी, तो ईएमएफ एक्चुअली में होता क्या है, वोल्टेज ही होता है, ईएमएफ एक्चुअली में वोल्टेज ही होता है। तो देखो वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज है ना भाई, वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज है, यानी कि वेव वाइंडिंग में ईएमएफ ज्यादा पैदा होता है और लैप वाइंडिंग में ईएमएफ कम होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि लैप वाइंडिंग में ईएमएफ कम पैदा होता है और वेव वाइंडिंग में ईएमएफ ज्यादा पैदा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या, कि लैप वाइंडिंग में तो ईएमएफ ज्यादा और वेव वाइंडिंग में ईएमएफ कम पैदा होता है। ये चीज आपको मस्ट ध्यान रखनी है कि लैप वाइंडिंग में ईएमएफ ज्यादा और वेव वाइंडिंग में ईएमएफ कम होता है। ठीक है, चलिए कमेंट्स देख लेते हैं सबकी। तो आज थोड़ा सा क्या है, काम भी आ गया है, ठीक है वो, और कल में भी थोड़ी सी समस्या लग रही है, तो अब हम आज की क्लास को कल कंटिन्यू करें। तो किस, अच्छा, ALP की तैयारी कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो आप लोगों को अब अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम ये क्लास को कल कर सकें, एक बार सब लोग कमेंट कर दें, कल हम स्टार्ट करेंगे। आज जो पढ़ाया बस मैंने जनरेटर का प्रिंसिपल वो ध्यान रखना है, अभी तक जो पार्ट्स पढ़ाए वो ध्यान रखना है, लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में जो चीज़ पढ़ाई वो ध्यान रखना है, कल हम इसके आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इसके आगे के पार्ट्स रह गए हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बीटेक की क्लास भी लगाएंगे भाई।